आप खुदावन के लिए तालियां बजा रहे हैं हालेलुया थैंक यू जीसस। जोरदार तालियां पूरे दिल से पूरी ताकत के साथ रूखी मामूरी में हालेलुया लो साथ कहे हालेलुया हालेलुया या हाल बोलो यीशु मसीह की बोलो आप सबको बरकत दे मैं मान रखता हूँ कि जिस तरह मैं बेदार हूँ आप भी बेदार हैं और यकीनन आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूँ आपकी सलामती हमेशा खुदा उनकी हजूरी से इसी तरह रहे बाइबल मुकदस जिंदगी की रोटी है और जो कोई इस कलाम की तरफ रजू लाता है वो शेर होता है वो मामूर होता है वो ताजगी पाता है कुत पाता है जोर पाता है तसली पाता है तशफ़ी पाता है क्योंकि ये खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में कुदरत के साथ जाहिर होता है और यह ना हमें तसल्ली तशफी इतबिन बल्कि हमारी जिंदगी में रोशनी बन जाता है और बाइबल मुकदस की रोशनी जब भी कोई उसे कबूल करता है रोशनी तो हो लेकिन जो उसे कबूल करता है खुदा का कलाम बाइबल की रोशनी उसे मनवर कर देती है और वो बहुत सारे लोगों के लिए मसले रा बन जाता है वो शमा के तौर पर बहुत से लोगों को रोशन करने का सबब होता है काश ये की इस बात पर हम गौर करें गौर से सुनिएगा ध्यान के साथ क्या तुझ में जो रोशनी है क्या वो तारीकी तो नहीं कई दफा हम अपने आप को रोशन समझ रहे होते हैं हम अपने आप को मनवर समझ रहे होते हैं हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या टाइटल लेकर अपने आप को बयान कर रहे होते हैं बड़े जो हैं हम फख्र में होते हैं गौर करने की ज़रूरत है वो रोशनी जो हम में है क्या वो तारीकी तो नहीं इसकी जांच इसकी पड़ताल इसको किस तरह से हम जान सकते हैं ये खुदा के कलाम से हो सकता है यू ही आप खुदा के कलाम की तरफ रजू लाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं जो अपने आप को रहानी कहता हूं मैं जो अपने आप को ईमानदार कहता हूं क्या मैं हूं ये बहुत कम है ईमानदार की ज़िंदगी में गुज़रे दिनों में मुझे कुछ कदम के साथ बातचीत करने का मौक़ा मिला तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि आप मसीहियों को हकीकी मसीही बना रहे हैं लेकिन काश कोई ऐसा शख्स हो जो ईमानदारों को हकीकी ईमानदार बना दे ईमानदार तो कहलाना हर एक पसंद करता है क्या हम हकीकी ईमानदार हैं जब हम हकीकी मसीही और मसीही के दरमियान एक फ़र्क को रखते हैं इस बात को समझते हैं तो फिर आज इस बात को भी समझने की ज़रूरत है हम सबों ने एक टॉपक को एक बात को सीखना शुरू किया है जो लास्ट संडे हमने मैस सुना वो दुआ के तलक से दुआ के नहीं हमारे सामने आए क्या आए दुआ एक अबादत है खुदा की तमचीत करना अपने गुनाहों का इकरार करना अल्तजा करना खुदा की रफाकत उसके साथ मेल जोल उसकी हजूरी में बैठना ये दुआ है लेकिन सबसे जो अहम बात मैं आपके सामने इसमें रखना चाहता हूँ दुआ एक मकम्मल आबादत है जब कोई खादम आपको कह रहा होता है ना कि दुआ करें आप दुआ में कुछ वक्त गुजारें तो ये समझ लें कि वो चाहता है कि आप खुदावंत की हकीकी आबादत के लिए अपने आप को प्रपेर करें तैयार करें पेश करें और दे दें अपने आप को खुदा के लिए उसकी आबादत के लिए पेश कर दें हुआ यू कि शायद हमने दुआ को सिर्फ मांगना जाना है इसलिए दवा की हालत में हम सिर्फ मांगते 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 और मांगते मांगते इस कदर हमने मांगा कि हम मंगते होकर रह गए हैं लेकिन हकीकत यह है कि ये एक आबादत है जिसमें हम भी होना ज़रूरी है उसमें खुदा उनकी स्तारश का होना ज़रूरी है उसमें खुदा की विडयाई करना बहुत ज़रूरी है उसकी पृस्त करना बहुत ज़रूरी है और उसे अपने दिल में रख कर अपने गुनाहों का इकरार कर लेना कोई बुरी बात नहीं उसके हुजूर में माफी मांगना ये जरूरी है आज जिस बात पर हम गौर करने को हैं कोई पढ़ सकता है बुलंद आवाज से दुआ के लिए बेहतरीन मौका या वक्त कौन सा हो सकता है क्या ख्याल जेन में आता है सुबह चार बजे का टाइम यानी अर्ली मॉर्निंग जी कोई और हाँ बिल्कुल यही भाई ने भी बताया जी हर वक्त जबरदस्त है जी रात के पैरों में तन्हाई में जबरदस्त है कोई और ए, किसी ने बताया क्या जी शाम सुबह दोपहर वेले हाँ जी अच्छा टाइम में क्या हम ये निकाल सकते हैं जो मैंने सीखा है या जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दुआ के लिए बेहतरीन मौका या वक्त क्या टाइटल है सच्चा दिल हो और बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो और वो बिल्कुल रू की ताजगी में हो और दिल से वो खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहे वो जो भाईशानी ने बताया कि हर वक्त किसी भी टाइम अगर इंसान की हालत यह है कि वो खुदा की हजूरी में जा सकता है गुनाह को उसने तरक किया है तो फिर जबरदस्त मौका है दुआ का और ये वो वक्त है जिसमें आपकी सुनी जाएगी अगर आपको समझ आए इस बात से इतफाक करें तो आमीन जरूर कहिए शुक्र है जमात में से कम अज़ कम दो लोग मेरे साथ मुतफिक हैं आप सबके लिए भी मेरी दुआ है आप आ, मेरे साथ मुतफिक हों या ना हो लेकिन खुदा के कलाम को ज़रूर गौर के साथ सुने ताकि बाद में आप मुझसे सवाल कर सकें क्यों पाशा अगर सुनेंगे नहीं तो फिर आप पूछ भी नहीं सकेंगे मैंने जो जानना है वो ये है कि सच्चे दिल से और जब दिल कई तरह की बदियों गुनाहों और कद्दूरत और जो है जो से जब हम ज़रा अलग हों तो उस वक्त जब हम दुआ करेंगे तो वो ज़बरदस्त होगी इसके लिए रेफरेंस है अब्रानियों के में से उसका दसवां बाब बाईसवीं और तेईसवीं आयत है हमारे सामने अगर आप नोट कर रहे हैं तो चौबीसवीं आयत भी नोट कीजिएगा यहाँ लिखा है तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से दलवा कर खुदा के पास चले और अपनी अमीर के इकरार को मजबूती से थामे रहें क्योंकि जिसने वादा किया वो सच्चा है इसके बाद चौबीसवीं आयत भी मैं चाहता हूं पढ़ना अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा और महबत और नए कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का एक दूसरे का हाज करें अगर ये हालत है एक दूसरे का लिहाज किया है एक दूसरे की इज्जत किया है एक दूसरे को बर्दाश्त किया है एक दूसरे को माफ किया है और दिल पर यीशु मसीह के अला कौन को जो कोह कलवरी पर बहा है उसको दिल को साफ करने के लिए पाक करने के लिए दुरुस्त करने के लिए ले लिया है और वो पकीजगी की हालत में आ गया है और आपने ईमान रखा है और पूरे दिल से खुदा की हजूरी में आए हैं तो ये दवा के सुने जाने का बेहतरीन मौका है कोई एक दो जो इससे इतफाक करे आमीन कह सकते हैं ये बड़ा बेहतरीन मौका होता है हम दुआ के लिए जाते हैं बड़ा जबरदस्त है घरानों में कई लोग बड़े दबा गो हैं दुआ के लिए जाते हैं पहले खानदान से सारे के साथ लड़ाई करते हैं बच्चे है नु चल मेरे ना दुआ च बैठो ਉਕੇ ਨਮੈ ਅਨੀ ਬੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਹਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਐ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਾਬੂ ਹੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ ਆ ਸਰਤਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਬ ਮੇਂ ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ चाचा जी फिर फिरते दो चार उन्होंने भी सुनानिया पैन गई और बाद दफा कई घरानों में शोहर दुआगो समझते हैं अपने आप को मैं ये कहूँ कि ये समझते हैं ऐसे लोग और वो बीवी को कह रहा होता तू टाइम कट छड़ दे बच्चे आनु छड़ दे काम नु आ जा दबाच वो कहती मैं आ काम कर ला मैं आओ काम कर ला। और वो टाइम नहीं देती शोहर फिर तो बड़ा नेकी दिखाएगा, हाँ क्या ख्याल है? बड़े अच्छे उसके जुमले होंगे हाँ दो चार थे हो ही जानगे चलो ज्यादा नहीं थे हाँ क्योंकि ज्यादा कटे तो फिर दवा च नहीं जा सकता अरे फिर वो भी कुछ ना कुछ कहेगा और अक्सर घरों में मैंने ये हालत देखी है और उसके बाद वो दुआ के लिए चले जाते हैं और ऐसी हालत में क्या ये हिस्सा जो लिखा है जो हमारे सामने है स्क्रीन पर बाइबल की बातें ये उसके दिल में पूरी हुई हैं उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई हैं हाँ तो फिर दुआ फिर माजरत के साथ जो कोई भी मुझे सुन रहा है उसके लिए जरूरी है ख्याल कर यसुमसी की बातों को अंजील की तालीम को मैं दोहराऊंगा कि तुझ में जो रोशनी है क्या वो तारीकी तो नहीं सच्चे दिल के साथ बेहतरीन मौका वो होता है और वो रात का कोई पहर हो या दिन का कोई पहर हो वो कोई भी वक्त हो सकता है लेकिन आप पूरे दिल से खुदा की हजूरी में तैयार होकर जाने के लिए राजी हों तो ज़रूर खुदा सुनेगा पूरे दिल के साथ सच्चे दिल के साथ और ईमान के साथ कई दफ़ा हमें ईमान नहीं होता हम मांगते हैं लेकिन ईमान हमारी ज़िंदगी में नहीं होता लेकिन यीशु मसीह ने तो हमें यह सिखाया है कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानत ना करो यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें ईमान रख लो कि तुम्हें मिल गया है ठीक है तो अगर मिल जाए तो फिर शुक्रगुजारी होना जरूरी है कि नहीं हम फिर अगले पहर में सुबह शाम दोपहर वेले हाँ हाँ फिर सुबह भी यही मांगते हैं फिर शाम को भी यही मांगते हैं और रात को भी मांगते हैं और फिर इन कहते हैं फिर दुआ मांगते हैं फिर रामीण कहते हैं और उसे कबूल ही नहीं किया ईमान ही नहीं रखा कि यशुसी ने कहा था जो कुछ मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है, और मिलने के बाद किसी के मुंह में शुक्रगुजारी नहीं जो दुआ का बड़ा हिस्सा है तो फिर उसको दुआ कहेंगे उसको अबादत कहेंगे उसको खुदा की साथ रफाकत कहेंगे और रफाकत खुदा के साथ हा? और बंदा खाली उठ जाए ये नामुमकिन है हाँ रफाकत रखने वाले का मजाज दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है इसको जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पर गौर करते हैं जब दिली तसल्ली हो एक तसल्ली इत्मीनान तशफ़ी कि मेरा खुदा उसकी हुजूरी में मैं जाऊंगा और ज़रूर पाऊंगा एक ये तसल्ली हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है और करने की कुदरत रखता है जब पूरी तसल्ली हो और ज़िंदगी में एक खुशी हो खुशी खुशी के साथ या गुस्से के साथ दबाव में जाना बेहतर है हाँ जी ख़ुशी के साथ हाँ जी हम गुस्से के साथ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਛੱਟ ਦਵਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਆ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਲੈ ਲઈએ ਆ ਸਕੂਨ ਤੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਣੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਡੰਡੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾ ਐਸਾ ਚਰਚ ਇਹ ਖਤੂਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸकी ਵੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ उसकी उसकी भी जो है ना सज़ा बड़ी जबरदस्त है ओ, ओ ही है ओ ही है क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है सारे को सीधा कर देगा और ये यकीन करें गुनाह आपके लिए तबाही और बर्बादी बन जाएगा सच्चे दिल से खुदा मुन की हजूरी में आए बड़ी तसल्ली और खुशी के साथ और फिक्रमंदियों को छोड़कर अक्सर ये होता है कि हम जब फिक्रों की कसरत हमारी जिंदगी में होती है ना जो साड़ी कितने भी नहीं सुनी जाती और अक्सर हमने ये देखा कहते पार साहब बड़ा दौड़े बड़ा दौड़े बापया पीछे भी दौड़े और फिर रसी खुदा दी हजूरी जा गए जब ऐसी हालत होती है फिक्र की हालत होती है फिर हम खुदा की हजूरी में आते खुदा तो चाहता है फिकरमंदी को दूर करके बड़ी खुश मजाजी में पूरी खुशी और बड़े जो है खुदा के फजल में आप खुदा की हजूरी में आए और जब ऐसी आपकी ईमान में हालत है या किसी भी शख्स की ऐसी हालत है कि वो इस तरह से खुदा के हजूर में तसली है कि मैं जाऊँगा और मुझे मिलेगा उसे खुशी है कि मैं खुदावन की हजूरी में हमेशा शादमानी पाऊँगा उसके दिल में ये जब बात है कि मेरा खुदा यकीन मेरी सुनेगा मुझे फिक्रे करने की क्या ज़रूरत मैं क्यों रोटी के पीछे भागूँ मैं क्यों पहनने के पीछे भागूँ मैं क्यों जो है इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रखूँ जब ऐसी हालत निकलेगी दिल से फिर जब आप दुआ करेंगे तो ये दुआ का बेहतरीन मौका होगा आपके लिए कि आपका खुदा आपको सुने और आपको जवाब दे और आप पूरी मरादों को हासिल करके खुदा की रफाकत से अलग हों और वहाँ से उठें आप अगर आमीन कहें तो अच्छा होगा ये वक्त होता है जब खुदा हमारी सुनता है ये वक्त होता है जब हमारी सुनी जाती है और खुदा हम पर कर्म करता और रहम करता है इसी में एक और आयत है हमारे सामने मती की अंजील की छठे बाब की तैंतीस चौंतीस से आयत स्क्रीन पर आपके सामने है और ये 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 हिस्सा हमने बहुत पढ़ाया है पढ़ा है और इसको जाना है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्ते की तलाश करो तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी इसके लिए ये जुमले ये आयत ये खुदा का कलाम ये खुदा का फरमान ये मसीह की जो बातें हैं हमारे सामने हैं ये बड़ी पावरफुल है और बड़ा अच्छा लगता है और हम इसे हमने बहुत से लोगों ने इसे याद किया हुआ है बहुत से लोगों ने इस पर गीत लिखा है और गीत को गाया भी है और ख़ूब हमने खुदा उनके हजूर में इसको किया है लेकिन बहुत सारे लोगों को इस आयत के पहले जो लिखा हुआ है वो याद नहीं है बल्कि मैं एक घराने में इस हफ्ते में विजिट करते हुए बैठा था तो वो इन्हीं दिनों में इसी बाब को पढ़कर गुजरे हैं और मैंने कहा इससे पहले ये आज तो कहते हैं दराते हैं इससे पहले जो लिखा हुआ है वो याद है याद ही नहीं था इससे पहले जो लिखा है वो यही लिखा है खाने की परवाह न करो कि क्या खाएंगे इससे पहले यही लिखा है पहनने की फिक्र ना करो क्या पहनेंगे इसके पहले यही लिखा है कि किसी तरह की फिक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं तुम्हारा खुदा इन सब चीज़ों को देने की कुदरत रखता है वो तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेगा वो हर गज़ हर गज तुम्हें नंगा नहीं छोड़ेगा वो हर गज हर गज तुम्हें इसी हालत में नहीं छोड़ेगा बन इसराइल को देखे चालीस सालों उन्होंने सफर किया है और ना तो उनके पाँव सूझे हैं ना उनके कपड़े फटे हैं ना पुराने हुए हैं अगला जुमला ना छोटे हुए हैं ना वो छोटे ही हुए हैं चालीस साल बियाबान में सफ़र ही सफ़र है ना काटना है ना बोना है ना काटना है ये जो मती की इंजील का ये हवाला हमारे सामने है इसके पहले जो कुछ लिखा है वो सब कुछ पूरा होता हुआ इस बियाबान में नज़र आता है बियाबानी कलीसिया के लिए उसी तरह से नज़र आता है क्या आज खुदा कमज़ोर पड़ गया है कि हम ईमानदारों के लिए ऐसा ना कर पाए होता ये है कि हम फिक्रों में दबे हुए खुदा की हजूरी में चले जाते हैं और फिक्रमंदी में दबाव होती है हाँ जी दे दे वीडियो शहादत हो जाएगी तो नहीं।, नहीं हाँ जी कोई लीजिए कोई दुआ नहीं है जब दिल में तसली हो खुशी हो इतमान हो और बंदा खुशी के साथ खुदा के साथ रफाकत के लिए तैयार हो तो वो सुनी जाती है उससे कसरत की बरकत मिलती है और जो हिस्से इस में लिखा है आप बस बादशाही की तलाश करें वो लोग बियाबान में अपनी मंजिल की तरफ दौड़े जा रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश है और यही करते रहते हैं रोटी भी मिल रही है गोश्त भी मिल रहा है कपड़े भी हर तरह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सेहत भी खुदा के फजल से मिलती है अगर हम भी ऐसे खुदा के साथ रफ़ाकत करेंगे तो फिर ही ये वक्त होगा जो दुआ के सुने जाने का वक्त है ये वो वक्त होगा जिसमें खुदा हमारी सुनता है फिर अगले समय जब खाकसारी की हालत में और फरोतनी की हालत में हम होते हैं तब हमारा खुदा हमारी सुनता है फ़खर की हालत में घमंड की हालत में तकब्बर की हालत में गरूर की हालत में जब कोई शख्स होता है उसकी सुनी जाएगी उसकी सुनी जाएगी जी एल्डर पत्र साहब हर गज हर गज उसकी सुनी नहीं जाएगी खुदा उस वक़्त सुनेगा जब कोई शख्स फरोतन होगा आजज होगा जब खाक सारी की हालत में होगा और फ्र को अपनी जिंदगी में से निकाल देगा अगर कोई शख्स दुआ को है और बहुत सारे लोग हैं और वो दो दो घंटे तीन तीन घंटे चार चार घंटे दुआ करते हैं और दुआ करते हैं फिर करते हैं रोज करते हैं और रोज वो किसी को बताते हैं मैं चार घंटे दुआ करने वाला हूँ तह नहीं पता हाँ तू मेरे ना गल करना पे मैं तो चार घंटे दुआ करना तेरू अपनी हालत का पता है कभी दवा च गया है वो शख्स खाकसार है फरोतन है हलीम है नहीं फिर वो क्या है घमंडी है शेखीबाज है तकबर करने वाला है इसकी सारी दवाएं एक तरफ और खाकसार होने वाले की दवा एक तरफ और इसको यशुम ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है यशुम ने कहा कि हैकल में दो शख्स दवा के लिए गए एक फरीशी था बड़ा रास्तबाज़ अपने आप को समझता था दूसरा शख्स जो है मशहूर लेने वाला गुनागार था और ये दोनों दुआ के लिए खुदा के घर में गए और ये जो दुआ के लिए गए मैं समझता हूं दोनों के लिए दोनों ने ये समझा कि मेरे लिए ये दुआ का बेहतरीन मौका है क्या ख्याल है क्या आप समझते दोनों क्यों गए क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे लिए दुआ का ये मौका है गए जो फरीसी था वो बड़ा फख्र और गमंड की हालत में है कहता है मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस गुनागार की तरह नहीं हूं मैं हफ्ते में दो बार रोजा रखता हूं, की देता हूं। तेरी हैकल में आने वाला दवा के वक्त में आने वाला, तुझे वक्त देने वाला तेरे साथ रफाकत करने वाला ये तो दो तीन जुमले वहां लिखे हुए हैं या दो तीन बातें लिखी हैं पता नहीं उसने की की, की क्या देता हो क्या क्या उसने दराया हो उस वक्त और दूसरा शख्स उसने आसमान की तरफ आंखें भी नहीं उठाई और उसने कहना शुरू किया मैं गुनागार हूं मैंने तेरा गुनाह किया है मुझे तेरे फजल की जरूरत है तेरे रहम की जरूरत है मुझे ले मुझे छुड़ा मैं गुनाह की हालत में नहीं रहना चाहता और लिखा है इस को जरूर घर जाकर पढ़िएगा लिखा है वो उसकी निस्बत रास्त ठहर कर अपने घर को लौट गया वो जो आजज हुआ है वो जो फरोतनी की हालत में आया है जो सारी की हालत में आया है उसका गिरजे में आना खुदा की हजूरी में ठहरना बड़ा सूदमंद ठहरा है क्योंकि वो के साथ आया है हिलम मजाजी के साथ खुदा की हजूरी में ठहरा है उसने अपने आप को खुदा के हजूर में पेश किया है किसी दूसरे को नहीं अक्सर ये होता है अक्सर ये होता है ये जो ईमानदार लोग हैं ईमानदारों की जमायत ये कलाम जो सीखते हैं जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं ये अपने लिए नहीं होता इनका क्या भी गल लिखी अज फलाने सुना ही दे अब ओन सीधे कर दून मैं ये भी मैं सीख लिया सारी गुना च ही लिया हूँ ओनू ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं काश हम अपने आप को दुरुस्त करें और जब हम रोशन हो जाएं तो वो रोशनी खुद को दूसरों में फैल जाएगी दूसरों तक पहुंच जाएगी खाक सारी की हालत में और यहाँ बड़ा वाजे दर्स है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सार बन कर दुआ करें खाक सार बन कर आबादत करें खुदा की हजूरी में आए मेरे दीदार के तालब और और जितने पढ़ सकते हैं जोर से और, और अपनी बुरी राहों से दूसरे को टारगेट है किसके साथ है कलाम मैं क्या समझता एक एक शख्स के लिए हर कोई ये समझे कि यह आज मेरे लिए लिखी हुई है वो शख्स खाकसार हो और उसके दीदार का तालब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे, अपनी बुरी राहों को तरक करना नहायत जरूरी है खुदा की हजूरी से मांगने से पहले पहले ज़रूरत है अपनी बुरी आदतों को तरक कर दें गुनाह की हालत से छुटकारा पाएं, गुनाह को तरक करें हर तरह के गुनाह को गुनाह की तशरी करने की ज़रूरत नहीं आप तुझी बहुत समझदार हो हाँ जी गुनाह की तशरी की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं आप ये समझें पहले उसको अपने गुनाहों का इकरार कर लेना चाहिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए दोबारा से पहले और और जब वो ऐसा करेगा तो लिखा है कि मैं आसमान से सुनकर उसके सबसे पहले क्या करूँगा वो गुनाह माफ हो ही नहीं तो पहला मुआजा यसुशी ने बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया है पहले उनके गुनाह माफ़ किए फिर उनको मुआवजा मिला है हाँ जी है कोई ऐसा वाक्य याद आ रहा या है यसुशी ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया और ऐसी कहने ऐसी गुनाह ही और बस मुजज़ा मिल जाए रफाकत मिल जाए दीदार मिल जाए उसकी हजूरी मिल जाए ये नहीं होएगा खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए सच्चा और आदल है और वो वही वो करेगा जो कलाम में उसने फरमाया है गुनाह को तर्क करें आसमान से वो सुनकर जवाब देगा गुनाहों को माफ करेगा और यहाँ अगला हिस्सा लिखा है मैं उसके मुल्क को बहाल कर दूंगा बहुत बड़ा वादा है उसके मुल्क को बहाल कर दूंगा जब वो शख्स बहाल होगा फिर मुल्क बहाल होगा हमें इस बात को समझने की जरूरत है फिर अगला हिस्सा जब ये पहले भी इसी को हम डरा रहे थे जब दूसरों को माफ कर चुके होंगे शायद जब हम दूसरों से नाराज होते हैं दूसरों की फिता करते तो उस वक्त हम ये समझते हैं कि हम गुनागार नहीं है आज ये शायद कलीसिया की हालत है ये समझती है जब आपने दूसरे का कसूर किया है किसी का हक खाया है ना हक उसके हक में कहा है तो आप गुनागार हैं ये खुदा का लाम बताता है वो शख्स उस वक़्त गुनागार है और वो शख्स जो गुनाह की हालत में है उसके लिए जरूरी है कि वो पहले दूसरे को माफ करे फिर दवा में आए फिर दुआ की आबादत में बैठे हुए उसकी हम के लिए स्थाइश के लिए बैठे जब हम दूसरों को माफ़ करने की हम में शक्त नहीं तफीक नहीं हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाए तो हम कैसे दवा में जा सकते हैं या फिर हम कैसे दवा में अपने हदफ को अपनी मराद को ले सकते हैं अपनी ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं जबकि हम ने दूसरों को माफ नहीं किया इसमें जो मती के इंजील का हवाला है छठे बाब की बारहवीं आयत ये दवाई रबानी का हिस्सा है जो हम सबों ने रटी हुई है रटी हुई और जो हमने अपने बच्चों को रटाई हुई है ये उस दवा का हिस्सा है और ये रटी रटाई दवा जो आपको आ, मिली हुई है रटने के लिए उसमें से ये हिस्सा है और ये वो दुआ है जो आप हर दुआ के बाद ये दुआ करते उस दुआ को सारी को मैंने नहीं लिया आ, मौका मिला तो सारी दुआ भी पढ़ावा हाँ जी तो आ, आ, जो है उसमें से ये छोटा सा हिस्सा लिया है और वो ये है और जिस तरह हमने अपने करदारों को माफ़ किया तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर बती कींजील छठा बाप बार मियात और ये यसुमसी ने सिखाया इसी हिस्से को जब हम ये वर्जन में देखते हैं इसका तर्जमा जो है ए, 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 इस तर्जमा में देखते हैं तो इस तर्जमा में ये तर्जमा आ, आप गौर के साथ सुनिएगा यह भी मती की इंजील छठे बाब की बारहवीं आयत का तर्जमा मैं आपके सामने रखने को हूँ हमारे गुनाहों को माफ़ कर जिस तरह हमने उन्हें माफ़ किया जिन्होंने हमारे हमारा गुनाह किया इसको समझने के लिए मेरे ख़्याल में अब यह तर्जमा बेहतर और अच्छा आपके सामने आया है हमने अपने गुनागारों को माफ कर दिया है हमने और जिस तरह हमने उन्हें माफ़ किया जिन्होंने हमारा गुनाह किया है उसी तरह तू भी हमें माफ कर ये रटी रटाई दवा कलेशिया की तरफ से आपको मिली है मसीह की तरफ से ये मैं समझता हूँ रटने के लिए नहीं दी गई थी इस पर अमल करने की ज़रूरत है रटने से एक हुआ है हम तोते बन गए हैं तो तोते गुर रटिया होया बोली दानिया या बोली डाले या और उस पर गौर नहीं करते हम इंसान हैं हमने माफ़ किया है खुदा की हजूरी में आकर कहते हैं माफ़ कर देता होया तू भी सानू माफ़ कर और अगर माफ़ नहीं किया हुआ और ये जुमला डराते हैं जी जी जोर से बोल दे फिर गुनाह करते, गुना करते हैं भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें फिर हम गुनाह करते हैं और कहा हमने गुनाह किया है खुदा के घर में या अपने घर में जब हम खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, ठीक है फिर हम किसके गुनागार हुए बरकत मिलेगी क्या पाकर जाएंगे बरकत के उल्ट भी एक लफज है हा? फिर क्या पाया क्या पाया मैं अंदर फिर जरा सख्त लगना से फिर बरकत नहीं कुछ और पा लिया है और यही वजह है कि उनके दिल सख्त हो जाते हैं उनके दिल फिर सख्त होते चले जाते हैं, वो दिल उनके सख्त होते चले जाते क्योंकि वो रोज़ खुदा की हजूरी में ऐसी बात रहते हैं जो वो कर नहीं रहे बल्कि वो एक रटी रटाई है और वो जो है गौर भी नहीं कर रहे मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ या ये वीडियो जो देख रहा है वो इस बात को समझे कि आप जब दुआ करें सो हवास में दुआ कीजिए समझदारी के साथ अकलमंदी के साथ दुआ कीजिए यह ना कहिए आपने अगर गुनाह माफ नहीं किए हुए तो फिर यह कहने के मजाज हैं कि हमने माफ कर दिया कहने के मजाज हैं चलो एरे थे और आप ही पे गौर करे थोड़ा सा ध्यान खुद भी करना और इसको लुका की इंजील ग्यारहवें बाप की चौथी आयत भी जो है उसको ये भी रबानी का यही हिस्सा है जो हमने धराया है लुका की इंजील में लिखा है ग्यारहवें बाप की चौथी आयत में यह रबानी का हिस्सा है और हमारे गुनाह माफ़ कर क्योंकि हम भी अपने हर कर्ज़दार को माफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में ना ला हमारे गुनाहों को माफ़ कर क्योंकि हमने अपने हर कर्ज़दार यानी हर गुनाह जो हमारे ए, ए, हमारा कसूरवार था उसको हमने माफ़ कर दिया है जियो वर्जन में ये भी लूखा की इंजील ग्यारहवें बाप की चौथी आयत है इस तर्जमा को जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है हमारे गुनाहों को माफ़ कर क्योंकि हम भी हर एक को माफ़ करते हैं हम भी हर एक को माफ हर एक को माफ़ करते हैं और हमने तो आ, सोचा होता है इनू माफ़ कर देंगे इनू नहीं जो करना इनू माफ़ कर देंगे ए माफ दे नहीं माफ़ हो दे लायक ही नहीं पा रहे सब थानू की पता जी ये बारे नहीं और ये दवाई रानी का हिस्सा है जो हम हमेशा दवा में धराते हैं कहते हैं कि हमने अपने गुनागारों को गुनाहों को जो हमारे गुना थे उनको माफ़ किया है क्योंकि हम भी हर एक को माफ़ हर एक को माफ़ करते हैं जो हमारा गुनाह करता है और हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे हम हर एक को माफ़ करते हैं जो हमारा गुनाह करता है हर एक को माफ़ करते हैं जो हमारा जो हमारा गुना करता है हम उसे माफ करते हैं और हर एक को और हर एक को क्या हम ऐसा कर चुके हैं अगर कर चुके हैं तो फिर ये दुआ करनी चाहिए अगर नहीं किया तो फिर तो फिर हाँ माफ कर दो वो दिलू क्यों सख्त कीता होया क्यों ऐसी हालत में चले गए हैं ज़रूरत है इस बात को हम जाने सीखें और ख़ुदा उनकी हजूरी में उसकी स्त तारीफ़ और हम करने वाले हों बज़ दफ़ा हम दुआ के लिए इस बात को समझते नहीं हैं इस बात को कबूल नहीं करते एक दूसरे को माफ नहीं करते फिर दवा फिर दवा बेमैनी है मैं आप सबको दवा के लिए मौका देना चाहता हूं दूसरे के लिए नहीं बड़े तकड़े हो दूसरिया दुआ करने दूसरे के लिए नहीं क्या आप अपने लिए अपने हाल पर रहम खाना चाहेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद इन बातों को सुनने के बाद दूसरे के लिए दुआ अच्छी बात है दूसरों के लिए दुआ करना ये अगले हिस्से में और बल्कि हमने दुआ के महनी में भी इस हिस्से को भी देखा है दूसरों के लिए बेहतरी जाना ख़्वाहिश करना ये भी दुआ का हिस्सा है लेकिन आज मैं आप सब से ये कहूँगा बुराई मेहरबानी अपने हाल पर रहम करें और अपने लिए दुआ करें जिस तरह वो आ, मसूल लेने वाला हैकल में आया और उसने किसके लिए दुआ की अपने लिए आए हम अपने लिए दुआ मांगें अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएंगे दुआ मांगेंगे मेहरबानी से हर एक शख्स जो है खुदा उनकी हजूरी में अपने